नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एसकासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप मेल, कमेंट इत्यादि के माध्यम से एक प्रश्न मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि आप जो सीटेट की परीक्षा देते हैं, चाहे हम जो फ़िलहाल जो आपकी परीक्षा होने वाली 2020 में उसकी बात करें, या इससे पहले जो आपने सीटेट की परीक्षाएं दी, या फिर आप भविष्य में जो भी सीटेट की परीक्षाएं देंगे उसमें जब आप भाषा का चयन करते हैं, मतलब आपको सीटेट में दो लैंग्वेज लेनी पड़ती है, एक लैंग्वेज वन के रूप में लेनी पड़ती है और एक लैंग्वेज टू के रूप में लेनी पड़ती है, जब आप उन दो भाषाओं का चयन करते हैं तो उन दो भाषाओं का चयन करने के बाद जब आप सीटेट क्वालिफाइड करते हैं तो भविष्य में जब आप किसी भी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे हम सरकारी स्कूल की बात करें या फिर प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो उस रिक्रूटमेंट में आपको जो आपने सीटेट में लैंग्वेज का चयन किया है उसे लेके कोई समस्या तो क्रिएट नहीं होगी? तो इस तरह का मुझसे सवाल पूछते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में उसी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है। एग्जांपल के लिए हम मानकर चलते हैं TGT इंग्लिश, ठीक है, मान के चलो कोई अभ्यर्थी है और वो भविष्य में TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जब वो सीटेट का अपना एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है या फिर सीटेट के लिए अप्लाई करता है उसमें वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लेता, ठीक है, वो हिंदी या संस्कृत ले लेता है या हिंदी के साथ कोई और लैंग्वेज ले लेता है मगर इंग्लिश नहीं लेता, तो क्या उसे भविष्य में समस्या देखने को मिलेगी? ऐसी हम संस्कृत और हिंदी की बात करते हैं या फिर इसके अलावा बंगाली, पंजाबी, किसी भी लैंग्वेज के आप टीचर बनते हैं संपूर्ण भारत में, चाहे हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें या फिर हम किसी राज्य की बात करें, ठीक है, तो अगर आप वहाँ शिक्षक बनते हैं और जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज के आप शिक्षक बनने वाले हैं, चाहे TGT इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत की बात करें, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज के आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपने वो वाली लैंग्वेज उसमें नहीं लिए, सीटेट में नहीं लिए, सीटेट की दो भाषाओं में ना आपने लैंग्वेज वन में वो वाली लैंग्वेज ली ना लैंग्वेज टू में लिए, तो भविष्य में जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उस लैंग्वेज से संबंधित, जिस भी लैंग्वेज के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो क्या आपकी जो आपने सीटेट में लैंग्वेज का चयन नहीं किया वो आपके लिए समस्या बन सकती है, नहीं बन सकती? तो इसमें मैं आप दोस्तों आपको बता दूँ, ऐसा बेसिकली कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आप जिस भी लैंग्वेज के टीचर बनने वाले हैं या फिर जिस भी लैंग्वेज के आप टीचर बनेंगे वो लैंग्वेज आपकी सीटेट में होनी ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ऐसा सभी अभ्यर्थी नहीं करते, जिस भी लैंग्वेज के टीचर वो बनते हैं वो लैंग्वेज तो एटलीस्ट वो सीटेट में लेते ही लेते हैं, क्योंकि उस लैंग्वेज के वो टीचर बनने वाले हैं, उस लैंग्वेज पर उनकी अच्छी पकड़ होती है और उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं वो, ठीक है। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो नहीं लेते लैंग्वेज, इंग्लिश का मैंने कुछ जगह ऐसा केस सुना है कि वो इंग्लिश के टीचर बनने वाले हैं भविष्य में, लेकिन जब सीटेट की बात करते हैं यहाँ पर वो हिंदी या संस्कृत का चयन कर लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश लेते ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि आपको जिस भी लैंग्वेज के आप टीचर बनने वाले हैं वो लैंग्वेज आपकी सीटेट में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी टीचर रिक्रूटमेंट में, चाहे आपने सीटेट में किसी भी लैंग्वेज का चयन किया हो, और उस लैंग्वेज का चयन करने के बाद चाहे आप उसके अलग किसी लैंग्वेज के टीचर बनने वाले, तो इस तरह की सिचुएशन में आपको मेरे हिसाब से कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इस तरह का जहाँ तक मैंने खोजबीन करी या फिर जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, तो इस तरह का किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट में, चाहे स्टेट लेवल पर वो रिक्रूटमेंट है, चाहे सेंट्रल लेवल पर रिक्रूटमेंट है, इस तरह की डिमांड किसी में भी नहीं की जाती। वो बात अलग है दोस्तों, किसी आप प्राइवेट स्कूल या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के स्कूल्स वगैरह भी होते हैं प्राइवेट, ठीक है, तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह में आपसे ये वाली चीज़ पूछ ली जाए तो वो बात अलग है। लेकिन दोस्तों इस कारण से आपकी रिक्रूटमेंट रोक दी जाए इसके बहुत ज़्यादा कम चांस है। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आपने सीटेट के लिए अप्लाई करा है तो निश्चित ही दोस्तों आप भविष्य में TGT, PGT, PRT कुछ ना कुछ शिक्षक जरूर बनना चाहते हैं। तो टीचिंग से रिलेटेड ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर फिलहाल भी उपलब्ध है और भविष्य में आपको समय पर समय उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो इसलिए आप चाहे तो आप अगर भविष्य में एक अच्छा शिक्षक, एक प्रभावी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप निश्चित हमारे एसकासियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।